दिल्ली के गार्गी कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कथित छेड़छाड़ के मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार, सीबीआई और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। इन सभी को 30 अप्रैल को जवाब दाखिल करना होगा। बता दें कि निगरानी में सीबीआई जांच कराने के लिए वकील मनोहर लाल शर्मा ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट के लिए कहा था। गार्गी कॉलेज के वार्षिक महोत्सव में छात्राओं से छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में हौजकास थाना पुलिस ने रविवार को एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया गया आरोपी दिल्ली का ही है। पुलिस अभी 15 और आरोपियों की गिरफ्तारी करने जा रही है। डीसीपी दक्षिण अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में रविवार को आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उसके घर, दोस्तों, रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी की थी। आरोपी को उसके दोस्त के घर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान कॉलेज परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज से खंगाल के हुई। गत 6 फरवरी को गार्गी कॉलेज में वार्षिक उत्सव में अज्ञात लोगों की भीड़ ने जबरदस्ती प्रवेश कर लिया। भीड़ में मौजूद लोगों ने कॉलेज परिसर में छात्राओं से न केवल छेड़छाड़ की बल्कि उनको धमकी भी दे दी। सोशल मीडिया पर कॉलेज परिसर में हुई घटना की जानकारी के बाद पूरे देश में विरोध शुरू हो गया।